गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए मैथमेटिक्स में एक बार फिर समुच्चय को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित समुच्चय है, कौन अपरिमित समुच्चय है। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको परिमित और अपरिमित की डेफिनेशन और उन्हें छांटना बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष ऐसे ही तो होता है y अक्ष। अब x अक्ष के समांतर तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये सब x अक्ष के समांतर ही है रेखाएं। तो x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो कुल 26 अक्षर होते हैं, अतः परिमित समुच्चय है, इन्हें हम गिन सकते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज तो अनगिनत होते हैं, जैसे 5 का गुणज 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, अब तो आगे तक चलते ही रहेंगे। तो 5 के गुणज बहुत सारे होते हैं, अतः इन्हें हम गिन नहीं सकते, अनगिनत होते हैं, अतः ये अपरिमित होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये परिमित होगा क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या निश्चित है, परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है मूल बिंदु 0.0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु यही तो होता है एक्स एक्स डैस, वाई वाई डैस, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त, मूल बिंदु से ये वृत्त गया, नेक्स्ट ये भी मूल बिंदु से चला गया। इस तरह से बहुत सारे वृत्त, ये अनगिनत वृत्त ऐसे खींचे जा सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे, तो इन्हें हम गिन नहीं सकते, अनगिनत होंगे, ये अपरिमित होंगे, असीमित होंगे, अतः ये अपरिमित समुच्चय होगा।